ट्रैवलिंग क्लास, मैं इस पूरा का मान फ्रॉम स्कॉलर्स एकेडमी। अच्छा क्लास, सबसे पहले हम क्लास आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले केमिकल कॉम्बिनेशन आपको पता है कि जब आप केमिकल रिएक्शंस करते हैं, जब आप कोई भी चीज को रिएक्ट करवाते हैं, तो उसके लिए कुछ लॉज होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो उस पर अप्लाई की जाती है, जिसकी वजह से हमें कुछ चीजें पता चलती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि अगर हम कोई केमिकल किसी केमिकल को कंबाइन कर रहे हैं, दो केमिकल्स को कंबाइन कर रहे हैं, तो हम ये उसको बताएंगे कि भाई उसका मास कितना है इनिशियल रिएक्शन के बाद, फाइनल रिएक्शन के बाद मास सेम है कि नहीं, उसका प्रोपोर्शन जो है, उसका जो रेट और रेशो होता है, रेट ऑफ कांस्टेंट होता है, वो रेशो सेम होता है कि नहीं होता, वो सारी चीजें हम केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं। और उसके अलावा फिर हम ये पढ़ेंगे कि अगर क्या कहते हैं अपना फिर आपका आगे केमिकल रिएक्शन के बारे में आएगा कि केमिकल रिएक्शन किस तरह के होते हैं, कि जब आप केमिकल दो केमिकल्स को रिएक्ट करवा रहे होते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, क्या कहते हैं केमिकल्स के दौरान दोनों अपने पार्टनर एक्सचेंज करते हैं, कोई एक अपना पार्टनर एक्सचेंज करता है, ठीक है ना, एडिशन रिएक्शन, कौन से कंपाउंड मिलते हैं, कौन से कंपाउंड टूट जाते हैं, ये सारी चीजें केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ी जाती है। अच्छा बात ही केमिकल कॉम्बिनेशन की, तो मैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें ये होता है उसका वेट ले लेते हैं, इनिशियल वेट जो होता है रिएक्शन से पहले या फाइनल वेट जो होता है रिएक्शन के बाद वो सेम है कि नहीं। तो सबसे पहले जो लॉ आता है वो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा क्लास, बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के लिहाज से जरा समझ लीजिए, बोर्ड के लिहाज से आपके पास आते हैं जस्ट स्टेटमेंट और वन एग्जाम्पल, ठीक है ना, स्टेटमेंट आती है और एग्जाम्पल आती है, ठीक है। स्टेटमेंट जरूर बिल्कुल एविडेंस लिखनी होगी, सवाल किस तरह आता है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जस्ट स्टेटमेंट, उसके साथ एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, जस्ट स्टेटमेंट देनी होगी, ठीक है। ये सवाल आए जाते हैं, जैसे स्टेट द लॉ ऑफ वर्टिकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या, स्टेटमेंट, इन एनी केमिकल रिएक्शन द इनिशियल वेट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इज इक्वल टू द फाइनल वेट ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है कि इनिशियल वेट ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, मिसाल के तौर पे कोई भी चीज आप रिएक्ट करवा रहे हैं, सबसे पहले आप यहां पे एग्जांपल ले लीजिए इसकी AgNO3 की, AgNO3 आप जो है सिल्वर नाइट्रेट कहलाता है, सिल्वर नाइट्रेट को आप रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से HCl से, दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, तो आप रिएक्ट करवाने से पहले दोनों का वेट लेंगे, क्या दोनों का वेट सेम है, सही है, फिर उसके बाद आप उसे रिएक्ट करवाएंगे, रिएक्शन करवाने के बाद आप फिर उनका फाइनल वेट लेंगे, क्या फाइनल वेट भी सेम है, अगर से तो सेम है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है, और अगर सेम नहीं है तो मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा अब इसको प्रूफ करने के लिए देखिए क्लास, ये तो आपको हो गया स्टेटमेंट, सही है ना, एक स्टेटमेंट आपके पास आ गया। लैंडॉन नामी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया जिसने एच ट्यूब ली, एच शेप ट्यूब ली थी उसने, सही है ना, एच शेप उसने ट्यूब ली थी, एच शेप ट्यूब में उसने एक तरफ जो लिया था वो लिम्ब ए लिया था, लिम्ब ए मिसाल के तौर पर आप ए कह लें, पार्ट ए में उसने लिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, पार्ट बी में उसने यहां पे लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, उसने बड़े ही ध्यान से संभाल के सबसे पहले दोनों को रिएक्शन करे बगैर दोनों का वेट किया, जब दोनों का वेट सेम आया, जब दोनों का वेट बिफोर द रिएक्शन सेम था, कांस्टेंट था, फिर उसने उसको अच्छी तरह शेक करके मिक्स किया, ठीक है ना, ट्यूब को शेक करके या किसी भी तरह जैसे मिक्सिंग होती है मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जब केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो गया, ठीक है ना, जब आपने देखा कि सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने जब रिएक्ट किया तो AgCl बन गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया और यहाँ पे HNO3 बन गया, तो फिर उसने जब दोनों ने अपने पार्टनर एक्सचेंज कर लिए, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये कौन सा रिएक्शन है, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है कि दोनों ने अपने पार्टनर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करे, वो हम आगे टॉपिक में मजीद पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जब उसने ये देखा कि ये दोनों पार्टनर जब एक्सचेंज हो गए तो फिर उसके बाद जब उसने वेट किया तो दोनों का वेट सेम था, बिफोर द रिएक्शन जब उसने एच ट्यूब में ये दोनों केमिकल डाले
और उसके बाद फिर उसने जब वेट किया तो दोनों का वेट सेम था। आफ्टर रिएक्शन जब उसने शेक करके जब केमिकल को मिक्सअप कर दिया फिर उसने जब वेट लिया तो वेट सेम था। इसका मतलब है कि लेंडॉर्ट एक्सपेरिमेंट ओबे कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टेटमेंट को। इन एनी केमिकल रिएक्शन द इनिशियल वेट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इज इक्वल टू द फाइनल वेट ऑफ द प्रोडक्ट। इनिशियल वेट जो होता है किसी भी रिएक्टिंग सब्सटेंस का वो बराबर होता है फाइनल वेट ऑफ द प्रोडक्ट का। जब आप रिएक्शन के बाद भी उसका वजन लेंगे तो दोनों का वेट कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है क्लास।